हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू टू ड्रॉ एंड कलर टेडी बियर गिवन इन योर बुक पेज नंबर 6। आप लोगों के बुक में जो पेज नंबर 6 में टेडी बियर दिया गया है, उसे किस तरह से ड्रॉ करना है और कलर करना है, वो यहाँ मैं अपने ड्राइंग कॉपी में बना के बता रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे बनाने का कोशिश करेंगे। ये सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंसिल से इसे ड्रॉ कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने इसे ड्रॉ किया है और आप लोग भी सबसे पहले इसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ इसे में कलर लगाऊंगी। कलर लगाने के लिए यहाँ लाइट पिंक और डार्क पिंक का यूज किया गया है। और सबसे पहले मैं इसके बॉडी को फिलअप करूंगी, उसके बाद इसके नोज और मुंह को। इस तरह से हम लोग जो है वो कलर करेंगे। धीरे धीरे वैक्स कलर लेंगे और वैक्स कलर का ही यूज करेंगे। आप पेंसिल कलर का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पेंसिल, लेकिन आपके बुक में जो है वैक्स क्रियॉन्स कलर बोला गया है, तो आप लोग वैक्स क्रियॉन्स कलर का ही यूज करेंगे। जैसा कि बताया गया है, ये कलर करना ईजी रहता है और देखने में भी सुंदर लगता है। इस तरह से हम लोग और कलर को हम लोग पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि एक ही डायरेक्शन में रखेंगे, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे इसका, कि बार बार कभी किधर से कभी किधर से करेंगे, वो नहीं करना है। एकदम अच्छे से करना है कलर को। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क पिंक का यूज कर रही हूँ, तो आप लोग भी पहले डार्क पिंक, बुक में भी दिखाया गया है डार्क पिंक और लाइट पिंक, ये दोनों कलर का यूज करना है। इस तरह से अच्छे से कलर करेंगे। इस तरह से डार्क पिंक का जब काम हो जाएगा
तब हम लोग क्या करेंगे, लाइट पिंक का यूज करेंगे और देखेंगे कि जहां जहां जैसे बुक में बताया गया है यहाँ लाइट पिंक लगाना है, इसके ईयर में लाइट पिंक लगाना है, इसके मुंह में लाइट पिंक लगाना है, तो वो लाइट पिंक का उसके बाद यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, देखेंगे कि ये लाइट पिंक है। इस तरह से डार्क पिंक और लाइट पिंक का मैंने यूज किया है और जैसा कि बुक में बताया गया है उसी तरह से मैं यहाँ पे आप लोगों को अपने ड्राइंग कॉपी में बना के दिखाई हूँ। आप लोग अपने बुक में करने के बाद कॉपी में भी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जिसके पास स्केच कलर होगा स्केच से, नहीं तो फिर वैक्स से ही, ब्लैक वैक्स क्रियॉन्स लेंगे और उससे उसका आई और उसके बाद उसका जो नोज के बीच में बना हुआ है ब्लैक कलर लगा हुआ है वो उसका यूज करेंगे। यहाँ पर मैं मार्कर का यूज कर रही हूँ, आप लोग स्केच का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, स्केच का यूज कर सकते हैं या फिर कलर से ही बना सकते हैं। इस तरह से मैं इसका आईज बना रही हूँ। पर नहीं से लेने चाहिए। इस तरह से यहाँ पे ब्लैक मार्कर से मैंने इसका नोज आईज और माउथ को बनाया है और उसके बाद देखे हैं सब लोग कि किस तरह से मैंने कलर फिलअप किया है और उसके बाद इसको पूरा मैं फिर इसी मार्कर से, या आपके पास ब्लैक कलर होगा, ब्लैक कलर स्केच पेंसिल या मोम जो भी कलर होगा उससे इसका आउटलाइन करेंगे। जब कॉपी में बनाएंगे तब आउटलाइन करेंगे, बुक में ऑलरेडी इसका आउटलाइन किया हुआ है लेकिन यहाँ पर मैं कॉपी में बनाई हूँ इसलिए मैं इसका आउटलाइन ब्लैक से कर रही हूँ ताकि ये देखने में पिक्चर सुंदर लगे। इस तरह से आपका ये टेडी बियर कंप्लीट हो गया है और सारे बच्चे इसको बुक में बनाने के बाद कॉपी में भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको टेडी बियर बनाने आए, बहुत इजी है, सारे बच्चे इसे बनाने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट पेज जो पेज नंबर 7 है उसमें सेव वाटर का जो पिक्चर दिया गया है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से हल्का कलर करना है, पेंसिल से कलर करेंगे और सारे बच्चे इसको, मुझे पता है कि सारे बच्चे को कलर करना आता है पेंसिल से इसलिए सारे बच्चे इसे इजी वे में कलर कर सकते हैं। तो आप लोग ये पेज नंबर 7 को अपना होमवर्क समझेंगे और इसे बनाने का कोशिश करेंगे, इसे कलर करके रखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।